स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो आपकी नजरों ने समझा के अपकमिंग एपिसोड में अब बहुत सारा ड्रामा देखने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि नंदिनी और चार्मी का शॉकिंग फेस ऑफ शोभित की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने कि नंदिनी का सामना होगा और वो भी जिंदा चार्मी से। अब हर कोई हैरान है ये जानकर कि आखिर ये पॉसिबल हुआ कैसे, क्योंकि शोभित को तो चार्मी के मरने की खबर पहले ही मिल चुकी है। तो भाई बता दें आपको कि ये महज एक ड्रामा था, और ये ड्रामा किसी और का नहीं बल्कि यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर किया था गुण की माँ ने। ये सब कुछ गुण की माँ ने इसलिए किया ताकि शोभित की जिंदगी से चार्मी नाम का नाम हमेशा के लिए हट जाए। गुण की माँ नहीं चाहती कि गुण के अलावा शोभित की जिंदगी में कोई और लड़की रहे, और इसीलिए जानबूझकर हॉस्पिटल से उन्होंने शोभित को एक कॉल करवाई कि अब चार्मी इस दुनिया में नहीं रही है। इसका सारा इल्जाम बहुत ही चालाकी से उन्होंने नंदिनी और दर्श पर डाल दिया कि ये सब कुछ नंदिनी और दर्श की वजह से हुआ है। पर इस तरह से शोभित बन गया नंदिनी और दर्श का दुश्मन, लेकिन अब नंदिनी का सामना चार्मी से होगा। चार्मी फिलहाल कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज्ड है। पर अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस सच को नंदिनी शोभित के सामने लाने में कामयाब हो पाएगी। क्या वक्त रहते शोभित को ये बात पता चल जाएगी कि चार्मी जिंदा है और गुण की माँ ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। किस तरह दर्श नंदिनी के साथ शोभित के गिले शिकवे खत्म हो पाते हैं, आने वाले एपिसोड में ये सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने बहुत ही दिलचस्प होंगे। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे जिस कदर दर्श और नंदिनी के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, ये सब कुछ गुण को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि गुण की शादीशुदा जिंदगी शोभित के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही और वो चाहती है कि नंदिनी भी दर्श से दूर रहे। वेल अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे इन सभी ड्रामों पर नंदिनी लगा पाती है रोक।